आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को, माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप भीतर से जागृत हों, बाहर से भी अच्छे हों, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आज विजयदशमी का दिन, दशहरे का दिन है, उसकी बहुत बहुत बधाई। विजयदशमी क्यों मनाई जाती है आप सब जानते हैं, पर हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में दशहरा नकारात्मकता के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव शक्तियों के ऊपर, 9 दिन की जब आप साधना करते हो नवरात्रि में, उसके ऊपर जीत है। ये हमारी नवरात्रि की रूहानियत यात्रा, नवरात्रि के अध्यात्म का सफर, माँ के चरणों की प्राप्ति, इष्ट के चरणों की प्राप्ति, वास्तव में ही नकारात्मक शक्तियों के ऊपर जीत है। हम अच्छे हो जाए, सब शुभ हो जाए, तो समझ लो नेगेटिव चला गया। रोशनी आ गई तो अंधेरा चला गया। तंदुरुस्ती आ गई, बीमारी चली गई। धन आ गया, गरीबी चली गई। जैसे जैसे शरीर अच्छा हो गया, कमजोरी चली गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में जो नकारात्मक चीजें भी आती हैं, वो अलग-अलग रूप से आती हैं। आज का दिन बहुत महत्व का दिन है अध्यात्म के लिए। जो साधक लोग हैं, जिनको अपने इष्ट के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा है, विश्वास है, जिनको ऐसा महसूस हुआ है कि मेरा माँ की कृपा से ऐसा हुआ, मुझ में भगवान की कृपा से ऐसी चेंज आई, मैं क्या था क्या हो गया गुरु कृपा से, जिनके मन में ऐसी भावना है, ऐसी फीलिंग है, थैंकफुल होने की फीलिंग, शुक्रिया अदा करने की फीलिंग, तो सबसे पहले मन से अपने श्री गुरु महाराज जी का और अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, शुक्रिया करें। क्योंकि जैसे जैसे हम उनकी कृपा को महसूस करते हैं, तैसे तैसे उनकी शक्ति और बढ़ती है। दशहरे का दिन, दिवाली की रात, दशहरे की रात, ग्रहण हो, चतुर्दशी हो, दिवाली से पहले की चतुर्दशी खास करके, तो उस दिन जो भी आप जाप करते हो, उस जाप का फल अनंत गुना मिलता है, 1000 गुना, लाख गुना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं, सब ज्ञानी पुरुष महापुरुष कह रहे हैं, पर मेरा अनुभव जरूर है। मैं अनुभव के आधार पे आपको कहता हूं कि आज बहुत ही कीमती दिन है, बहुत ही कीमती रात्रि है। थोड़ा नींद को कम करके जो जो भी मंत्र आप करते हैं, जो जो भी मंत्र आपके ध्यान में है, जो आप करते हैं, उन सब मंत्रों का जाप करें, उसके पश्चात सबसे ज्यादा अपने गुरु मंत्र का जाप, अपने इष्ट मंत्र का जाप। और इस दिन जैसे आप प्रतिदिन दिया जलाते हैं, वैसे ही दिया जलाएं, वैसे ही फूल चढ़ाएं, वैसे ही महारानी के चरणों में फल अर्पण करें, फूल अर्पण करें, और जब तक आप जाप करें, दिया जलता रहे। और आपके मन में, क्योंकि हमारा, हमें सबसे ज्यादा पता है कि हम कहाँ कपटी हैं, कहाँ झूठे हैं, कहाँ ईर्ष्या है, कहाँ जेलसी है, उसको निकालने की कोशिश करें कि हे माँ,
हमें से पूरी तरह निकाल दो, और उसके पश्चात जितना बड़ा बनना है, जितनी भी बड़ी सोच है आपकी, कहते हैं ना कि जो हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं पूरा विश्व, वो जो पूरा ब्रह्मांड है उसका 1% हिस्सा भी नहीं है, एक कण मात्र है। तो जितना भी आप मांग सकते हो ब्रह्मांड से मांगो, पर जितना बड़ा मांगते हो उतना बड़ा दिल खोल के दान करो, उतना बड़ा दिल खोल के दूसरों की हेल्प करो, उतना बड़ा दिल खोल करके अच्छे लोग अच्छे कामों में पैसा खर्च करो। आप देखेंगे कि आपका धन मल्टीप्लाई होगा, आपको लगेगा कहां से आ रहा है मेरे पास में, आपको पता ही नहीं चलेगा। और किसी काम में कंजूसी कर लेना, जो दूसरों की मदद करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, उसके लिए कंजूसी नहीं करना। आपके साथ जो काम करते हैं, आपके आसपास के लोग हैं जिनको आप जानते हैं कि उनको कोई ज़रूरत है, उनको ज़रूर देने की कोशिश करें, बहुत इज्जत के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। उसके बाद और जहां भी आपको लगता है उचित है वहां दान करने की कोशिश करें। हाँ, कितना भी आप दान करेंगे, कितना भी धन बांटेंगे, जब तक आप किसी को डाउन करना नहीं छोड़ेंगे। मान लो आपने 100 लोगों को दान कर दिया, एक को कहीं डाउन कर दिया, तो बराबर की बात आ जाएगी। इस बात से आप निकलिए। मैं आपसे बार बार से प्रार्थना करता हूं, और साधना से सब कुछ पाया जा सकता है, पर उसके लिए अच्छे कर्म, अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप जब साधना से कुछ पाते हैं उसको बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। जब साधना के द्वारा पाया जाता है, इष्ट देव की कृपा होती है, तो लगता है उन्होंने दिया है, वही मालिक है ना। मैं क्या था, ना कुछ था, आज कुछ हो गया। तो उसकी कृपा, उसके प्रति ध्यान 24 आवर रहता है, तो फिर कष्ट भी कम आते हैं, दुख भी कम आते हैं। आज नाभि चक्रा के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी के ऊपर ध्यान करेंगे। नाभि चक्रा आत्मविश्वास का चक्रा, निर्भय होने का चक्रा, डिसीजन लेने का चक्रा, दूसरों की मदद करने का चक्रा, शरीर स्वस्थ रहे उसका चक्रा, और नाभि चक्रा अध्यात्म का पुंज। इस चक्रा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में अकेले किसी भी चक्रा से इतना संबंधित नहीं होते जितना नाभि चक्रा से होते हैं। नाभि चक्रा का संबंध सीधा सीधा नाभि की नाड़ी से होता है। जब माँ के पेट में रहते हैं तो नाभि के द्वारा ही, उसी नाड़ी के द्वारा ही सब कुछ मिलता है, उसी के द्वारा ही सब कुछ महसूस होता है। धीरे धीरे दूसरे चक्रा डेवलप होते होंगे, पर 80-90% तक नाभि चक्रा की स्थिति ही डेवलप रहती है। जैसे बच्चा बाहर भी आता है माँ के पेट से तो उसकी चेतना जागृत होने लगती है, पर फिर भी वो नाभि चक्रा के साथ होता है, अपनी पास्ट लाइफ के साथ होता है। इसीलिए जब माँ के पेट से बाहर आता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, तो रोता है वो, पर धीरे 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 सब स्थिति आ जाती है। और जिस स्थिति में इतने महीने रहे हों हम, तो वही स्थिति हमारी आगे हमें डेवलप करने में हेल्प करती है। तो नाभि चक्रा के बारे में मैं आसान ढंग बताता हूँ आपको, सबसे आसान ढंग, आप उलझेंगे भी नहीं। एक तो सभी चक्रा के लिए जरूरी है, डीपली ब्रीथिंग लें, जब तक रोक सकते हैं सांस को रोकें, फिर निकाल लें। ये सभी
सभी चक्राज के लिए, सभी ध्यान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पनाभि चक्रा को जे विशेष फल देता है, और कम से कम 20 टाइम 30 टाइम जरूर करें इसको। जिनकी सर्जरी वगैरह हुई हो उनको नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब जैसे आप ध्यान सांस लेते हो, सांस की प्रक्रिया आपकी होती है, नाभि तक जाती है, तो आप जिस शक्ति की आपके ऊपर जब आप मां के पेट में थे कृपा थी, वो ही कृपा भी होने लगती है। जब वो शक्ति कौन सी थी मैंने महसूस किया, उसको किसी नाम नहीं दे सकते, प्रत्येक लोगों में अलग अलग सी शक्ति पाई गई, पर जो शक्ति का वर्ण है, जैसे छोटे बच्चे की ओरा को महसूस किया तो मैंने देखा कि पीले कलर की लगभग ओरा हुई सभी बच्चों की। बहुत से छोटे बच्चों को देखने का मौका मिला जो आज बड़े हो चुके, तो उनकी पीली ओरा ही मुझे महसूस हुई, कभी लाइट, कभी डार्क, कभी थोड़ी संतरे जैसी, कभी नींबू जैसी, कभी किसी और कलर की, कभी किसी और कलर की। और जैसे जैसे नाभि चक्रा में आप लोगों को ध्यान कराया ज्यादा, तब भी बहुत बार जब ध्यान की गहराई में कुछ लोग गए तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैलो जैसा। फिर जब कभी हीलिंग में मुझे आप लोगों की हेल्प करना चाहा मैंने, तो जब मैं गहराई में डीपली हीलिंग दी, और मैं किसी और शक्ति से हीलिंग दे रहा था, पर जब मैं डीपली आपसे जुड़ा तो भी जैलोश पीली कहीं से ओरा आई, जो मैंने पढ़ा नहीं है कहीं पे, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जैसे कभी कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव हो गया, मैं लुट गया, मैं मर गया, मेरा कुछ करो, उनको समझाता हूं कि भैया ज्योतिष से निकल जाओ, फिर ज्योतिष में आ गए, फिर देखा जे करें वो करें वो करें वो करें, माँ के ऊपर विश्वास करो। तो देखा जब फिर उनको उठाया तो फिर जैलो शक्ति ने ही हेल्प किया मुझे। उसको मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, पर मुझे वो ऐसा महसूस हुआ कि जहां नाभि की शक्ति है और पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच की शक्ति है और जहां पे अमृत कुंड है, वहां से वो शक्ति प्रकट होती है और पूरे बॉडी में फैल जाती है। जब गुरु आपको हील करता है, गुरु हीलिंग देता है, तो वो शक्ति आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है, आप फिर एक वैसे ही हो जाते हो जैसे थे। अगर आप फिर उस शक्ति को लेने लग जाओ, आप डेवलप करने लग जाओ, आप अपने गुरु महाराज के चरणों में लग जाओ, तो आपकी शक्ति मल्टीप्लाई वो एक्टिवेट हो सकती है। तो इसमें जैसे ही आप नाभि पे ध्यान करेंगे, अपने बचपन में ध्यान करना, अपनी माँ के बारे ध्यान करना, आपकी माँ ने कैसे आपका लालन पालन किया होगा, कैसे उन्होंने 9 महीने पेट में रखा होगा, हमें 2 किलो वजन ऐसे आधा किलो वजन भी उठाने को कहें इतनी देर तक तो मुश्किल होता है, कैसे माँ ने संभाला होगा, और कैसे माँ ने आपको विचार दिए होंगे, कैसे उस परम शक्ति ने आपको शक्ति दी होगी, तो आप नाभि चक्रा पे चले जाओगे। ज्यादा जितना आप ज्ञान में जाओगे, जितना आप पढ़ने लगोगे, तो आप उलझ जाओगे, और सीधा सीधा अपनी माँ का ध्यान और अपने इष्ट का ध्यान करना, और अपने इष्ट से कहना कि मेरे नाभि चक्रा को मजबूत करो महारानी, इस नाभि चक्रा की जो भी शक्ति है उस शक्ति को आप आदेश दो, हे मां, हे गुरुदेव, उस शक्ति को आदेश दो कि मेरा चक्रा जागृत हो जाए। अगर आपको मैं कहूं तो आपके जिस स्थिति कामनी होगी, एक मंत्र, दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र और मंत्र, आप उलझ के रह जाओगे, और अलग अलग लोगों के लिए आगे अलग अलग चीजें हो सकती हैं, पर प्राइमरी में आप अपने इष्ट का मंत्र, गुरु का मंत्र जाप करें और नाभि चक्रा पे फोकस करें, तो आपका नाभि चक्रा जागृत होना शुरू हो जाएगा। जैसे डीप ब्रीथिंग लिया, फिर ब्रीथिंग लेने के बाद मैं जैसे 20-30 टाइम का ब्रीथिंग लें, उसके पश्चात मंत्र का जाप करें, उसके पश्चात आगे आगे आपके चक्रा ऐसे जागृत होने शुरू हो जाएंगे। पर नाभि चक्रा को मजबूत करना बहुत जरूरी है।
अभी आप डीप ब्रीथिंग लेंगे, सांस छोड़ेंगे, मैं तीन टाइम करें। ऐसे 20 टाइम 30 टाइम जैसे आपकी स्थिति है उसके मुताबिक करेंगे आप। और जैसे आप भी ध्यान करते हो, जैसे बच्चा मां के पेट पे होता है ऐसे झुका हुआ, एक दो मिनट इस तरह रहने की कोशिश करोगे। कभी कभी नाभि चक्र का ध्यान करते करते ऑटोमेटिकली भी ऐसा हो जाता है, कभी वैसे ध्यान करते करते भी ऐसा हो जाता है, तो ये बहुत शुभ संकेत है। जैसे बैठे हैं सीधे धीरे धीरे धीरे, अगर वज्रासन में बैठ सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं बैठ सकते हैं हाथों को ऐसे खुला ही रखना, क्योंकि हाथों की एनर्जी, हाथों की रेंज से एनर्जी पहुंचती है हमें। नाभि चक्र पे स्थिर होने की कोशिश करें। ध्यान वास्तव में कह देते हैं कि ध्यान करो, ये करो वो करो, ध्यान का मतलब कुछ करना ही नहीं है, ना करना ही ध्यान है, मन से अमन हो जाना ही ध्यान है, निष्क्रिय हो जाना ही ध्यान है। मन हमारा बहुत तेज भागता है, मन पास्ट में भी, पास्ट को भी छोड़ दे, फ्यूचर की प्लानिंग भी ना बनाए, प्रेजेंट में आ जाए, तो आधे घंटे ध्यान की जरूरत नहीं है, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा, शुरू में 2 मिनट भी बहुत ज्यादा, प्रेजेंट में पूरे हो जाएं, बस आप और आपके इष्ट देव। धीरे धीरे जब कृपा होती है आप और इष्ट देव एक हो जाते हैं, आप और भगवान एक हो जाते हैं, आप और मां एक हो जाते हैं। जैसे बच्चे का मां के साथ कोई फर्क नहीं होता बच्चा जब मां के पेट पे होता है, ऐसे ही जब हम नाभि चक्र का ध्यान करते हैं तो हम बहुत जल्दी मां के साथ एक होने लगते हैं। तो जिनकी इष्ट मां है उनके लिए तो मौज ही मौज है, मां के साथ एकाकार होने लगता है। दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि वो मां के पेट में ही चले गए, बहुत छोटे बच्चे हो गए, ऐसी कृपा हो तो बहुत बड़ी बात है। आपको जो महसूस होता है, आपको जो अनुभव होता है, वो अपना अनुभव ना बताएं किसी को, अपने गुरुदेव के सिवाय किसी के साथ ना शेयर करें, क्योंकि कभी कभी संकेत होते हैं कि आपको कौन सी दिशा पे जाना है,
ध्यान में आपको कुछ महसूस हुआ, कभी कभी इतनी गलत बात भी महसूस होती है कि आपको बताने में शर्म आती है। तो गुरु के सामने, माँ के सामने हम जो हैं, माँ के सामने बच्चा नग्न होता है, माँ जानती है। इसीलिए बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि माँ की भक्ति में जाना है तो आप माँ का छोटा बच्चा बन के जाएं, उसकी कृपा हो जाएगी आप पे। ऐसे ऐसी चीजें महसूस होंगी, कभी आपको लगेगा कि ये मेरे मन का विचार है, कभी लगेगा ये बाहर से कहीं शक्ति आ रही है, कभी कभी आपकी जो शक्ति है आपको संकेत देती है। तो आपने जिन गुरु महाराज जी से भी दीक्षा ली है उनसे अपनी बात कहने की कोशिश करें, गुरु के स्वाय ना कहें किसी को, क्योंकि उनके स्वाय आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा। जैसे वो आप अनुभव शेयर करते हैं आप फिर डाउन चले जाते हैं। हम जे जो ध्यान में इकट्ठे होते हैं वास्तव में साधना में इकट्ठे होते हैं। आप जीवन के पूर्ण, आप जीवन का पूर्ण विकास कर पाए, जीवन में संपूर्णता की ओर बढ़ पाए, किसी चीज का अभाव ना रहे। आप देखेंगे जैसे आपने नाभि चक्र पे ध्यान करने की कोशिश की, आपकी एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ने लगी और ऊपर की ओर बढ़ने लगी। बस उस एनर्जी को साक्षी भाव से देखने की कोशिश करें। अभी हसकला हरीम का जाप करें। हसकला हरीम, हसकला हरीम, हसकला हरीम, हसकला हरीम, हसकला हरीम, हसकल 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 हरीम। धीरे धीरे मन में जाप करें। मन में अपने इष्ट देव का ध्यान करें। हे माँ, हमारी सभी सोई हुई शक्तियों को जागृत करो माँ। हे गुरुदेव, हमें मार्गदर्शन करो, अच्छे रास्ते पे लगाओ। हे गुरुदेव, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो, महारानी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो।
अपने इष्ट देव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाएं, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। जैसे आपसे प्रार्थना की थी, प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में गुरु की कृपा हो रही है, इष्ट की कृपा हो रही है, बहुत कृपा हो रही है। हे माँ, ये नवरात्रि में जो तूने कृपा की, कमाल है माँ। गुरु महाराज, आपका मार्गदर्शन, आपकी कृपा, आपने क्या कुछ सिखा दिया गुरुदेव। कितनी कृपा है माँ, सब पे कृपा करो गुरुदेव, सभी पे कृपा करो, सभी को अपने अपने गुरु चरणों में लगाओ गुरुदेव। बस प्रेजेंट में आपका जो गोल है, आपका जो संकल्प है, उसको महसूस करें कि माँ ने कृपा कर दी। संकल्प पूर्ण हो गया, गोल पूर्ण हो गया, एंजॉय करें उसको। अगर आपके कोई कारोबार का गोल है, बिजनेस का गोल है, तो साथ में ये संकल्प रखें कि कितना दान पुण्य करना है, कितना दूसरों का भला करना है, आपके गोल में और बढ़ोतरी होगी, आपका संकल्प और सिद्ध होगा। माता रानी का, गुरु महाराज जी का, सब शक्तियों का थैंक्स करते करते मयूरपंख मुद्रा करें। धीरे धीरे मयूरपंख मुद्रा को कैंसिल करेंगे। ध्यान से वापस आने को मन नहीं चाहता, आपकी कृपा से, आपके कारण मेरा भी ध्यान हो जाता है। महारानी, आप सबके संकल्प पूरे करें, आपके गोल पूरे करें, आप प्रभु चरणों में लगें, माँ चरणों में लगें। गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठी हुई माँ को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ।